विख्यात महंत श्री श्री 1008 किशोरदास देवजू महाराज जी के सानिध्य में चल रही 7 दिवसीय भक्तमाल कथा के आयोजन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी पन्ना जिले के सिमरिया धाम पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पिछड़े हुए पन्ना जिले को पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद भी यहां के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस क्षेत्र के पलायन की संख्या अधिक है, नेताओं को चाहिए कि इस ओर ध्यान दें। बता दें कि भक्तमाल में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज के पधारने पर माहौल भक्तिमय के साथ आनंदमय हो गया एवं बागेश्वर महाराज जी के दर्शनों एवं देखने को उमड़ा आस्था का सैलाब। वहीं बागेश्वर महाराज जी भक्तमाल कथा स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मुखारबिंद अपनी अमृतवाणी से प्रवचन किए। उपर्युक्त कार्यक्रम 14 जुलाई से 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा महोत्सव तक चलेगा। उपर्युक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री राजेंद्र दास महाराज जी छोटी सरकार, महाराज जी सावरिया सरकार, महाराज जी एवं अन्य संत पहुँच चुके हैं। हम रसिकाचार्य वृद्धाम श्री धाम वृंदावन के रसिक, हम सब बुंदेलखंड के गौरव पूज्य श्री गोरीलाल पुण्य वाले महाराज श्री जी के मुखार बिंद से सिमरिया में भक्तमाल की गाथा गाई जा रही है। उसमें भारत के सभी दिव्य संत पहुँचे हैं और इस स्थान भूमि पर श्री धाम वृंदावन की बहु प्रसिद्ध पूरे क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष में जो प्रसिद्ध रासलीला है, उसके रासाचार्य पूज्य श्री भैया जी महाराज विराजमान है। सब संत आ रहे हैं, हमारे जैसा नालायक दास भी आया हुआ है। ये प्रभु की कृपा है। पूरे क्षेत्र को यही कहना है, सिमरिया पन्ना जिले के लोगों को, कि आप सब दर्शन करके संतों का आशीर्वाद लें, हिंदुओं में एकता रखें। पन्ना जिला बड़ा ही पिछड़ा और बिछड़ा जैसा प्रतीत होता है, पलायनवाद बहुत ज़्यादा है और बल्कि सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में कीमती वस्तुएँ पन्ना जिले में ही पाई जाती हैं। तो नेताओं को पन्ना जिले के गाँवों पर ध्यान देना चाहिए, वोट बैंक भर नहीं लेना चाहिए।